मेरे भक्तों, नारद विचार करते जा रहे हैं, वचन दिया है मैंने भक्ति को, मैं इस वचन को कैसे निभाऊं, क्योंकि मेरे जो तंत्र मंत्र थे वो तो छीड़ हो गए, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इस वचन को नहीं निभाया तो आगे चलकर के कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। चले नारद दिल में रहे घबराए, कैसे दूरी हो बीमारी, कैसे दूरी होई बीमारी, कैसे दूरी होई बीमारी, कैसे बोलो बताओ, ए कैसे दूरी होई बीमारी, कैसे दूरी होई बीमारी, दिल में रहे घबराए, कैसे दूरी हो नारद चले जा रहे हैं, विचार करने लगे क्या करें, कहां जाएं, किसको ये बताएं, कैसे उपाय ढूंढे इसका। चले अब कौन कहां को जावे, अरे कैसी भेद सुना मैं, अब कौन कहां को जावे, और किसको भेद बतावे, कैसी कर रे जा कोई उपाय, कैसी दूरी हो दूरी हो बीमारी, रास्ता में नारद जावे तो संत कुमार को पावे, रास्ता में रास्ता में नारद जावे तो संत कुमार को पावे, फिर ये कहने लगे समझाए कैसी दूरी हो बीमारी,
समय संत कुमार जी का आना हुआ। जब संत कुमार जी आए, संत कुमार जी ने देखा कि नारद बड़े उदास हैं। वही नारद जो दूसरे के चेहरे पर हमेशा उदासी के सिवा कुछ देखना नहीं चाहते हैं, और वही नारद खुद उदास मालूम पड़ रहे हैं। तो संत कुमार जी पहुंचे गए नारद के पास और कहने लगे, नारद क्या बात, आज तक हमने तुम्हें कभी उदास नहीं देखा, तुम बड़े उदास मालूम पड़ रहे हो। तो समझा के बोले हैं संत कुमार जी नारद, तब कहने लगे समझाई और कैसी उदासी छाई, तब कहने लगे समझाई और कैसी उदासी छाई, तब